अक्सर ये देखने में आता है कि राजस्व के मामलों में सरकार का जो रुख होता है या सरकार का जो पक्ष होता है वो बेहद कमजोर होता है, और खास तौर पर जब ये मामले अदालत की दहलीज तक पहुंचते हैं तो सरकार को मुंह की खानी पड़ती है, और इस तरह से अरबों रुपए की जो जमीन है वो कहीं ना कहीं सरकार के हाथ से फिसल जाती है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता जी हमारे साथ एक्सक्लूसिव मौजूद हैं। सर, ये समस्या आपने भी देखी होगी, क्या कुछ आप करेंगे? देखिए, वास्तव में आपने ठीक प्रश्न उठाया, ये बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने। केवल अदालतों में जब मामले जाते हैं तब नहीं, मैंने ये देखा है, अनुभव किया इन दिनों में, कि राजस्व में भी जो हमारे रेवेन्यू के भी ऑफिसर्स होते हैं उनके बीच में भी जब अपील होती है तो उसमें भी एक ऑफिसर का निर्णय दूसरा बिल्कुल 100% पलट देता है, और यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। सामने वाले पक्ष के तो वकील और सारे पक्ष खड़े होकर बात करते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, लेकिन विभागीय पक्ष रखने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता है। हम इस सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं कि अगर कहीं भी कोई अपील होती है किसी भी रेवेन्यू ऑफिसर के निर्णय के खिलाफ, उदाहरण के लिए नायब तहसीलदार की तहसीलदार या SDM के यहाँ या कलेक्टर के यहाँ या कलेक्टर के कमिश्नर के यहाँ या रेवेन्यू बोर्ड में, वहाँ हमारे पक्ष को भी, सरकार के पक्ष को भी या हमारे अधिकारी द्वारा दिए गए निर्णय के पक्ष को भी रखने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए, और इसलिए ला सेल कैसा हमारा सुदृढ़ हो सकता है जहाँ हमारे जवाब दावे ठीक से बन सके, OIC ठीक से पक्ष रखवा सके, वकील ठीक ढंग से कर सके, इस पर लगातार हम चिंतन कर रहे हैं। हमने हमारे भू सुधार आयोग के अध्यक्ष माननीय दाणी जी को ये निवेदन किया हुआ है, और वो इस पर काम कर रहे हैं कि इस सिस्टम को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या क्या व्यवस्था हमें करना चाहिए। सर, कहीं ना कहीं बिना मेरी भगत के ये संभव नहीं है, क्योंकि लंबे समय से चला आ रहा है, आपको नहीं लगता कि एक बड़ी सर्जरी आप करने जा रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि जो भी कमियां हैं, जो रही हैं, उन कमियों को दूर करना जनहित में बहुत जरूरी है, और उस पर हम कितनी बड़ी भी सर्जरी करना पड़े वो करेंगे। क्या इसके लिए कुछ एडवोकेट्स, जो कि भरोसे के एडवोकेट्स हों जो आपकी सरकार के लिए खड़े हों, क्या उसकी एक पूरी एक लिस्ट पैनल बनाया जाएगा? अभी मैं कह नहीं सकता फाइनल स्वरूप क्या होगा, लेकिन वो भी एक विकल्प है, वकीलों के पैनल हमारे जिलों में बन जाए, या कुछ रिटायर्ड अफसर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हमारे जवाब वगैरह तैयार कराने में सहयोगी हो सकते हैं, बहुत से विकल्प हैं। अब जो रिपोर्ट हमारे पास आएगी, सुझाव आएंगे, उस पर हम निर्णय करेंगे। सर, रेवेन्यू के साथ साथ आपके पास IT का भी महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। कुछ लंबे समय से आपकी कई ऐसी योजनाएं जिसमें किसानों तक ऐप के माध्यम से उन तक सुविधाएं पहुंचाने की आपने कोशिश जारी रखी है, किस हद तक आपकी कोशिशें जो है साकार हो रही है? देखिए, अभी खसरे खतौनी की नकल जिसके किसान को जरूरत होती है वो तो कंप्यूटराइज मिलने लगी है, लेकिन हम धीरे धीरे इसको मोबाइल ऐप पर ले जाना चाहते हैं, और सिस्टम को ऐसा डेवलप करना चाहते हैं कि किसान या जो भी मालिक है वो जब चाहे अपनी स्थिति देख सकता है, और प्रिंट निकालना चाहे तो खुद निकाल ले, उसे तहसील या पटवारी के चक्कर नहीं लगाना पड़े। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। एक हमने और किया है शुरू, जो लगभग पूरा हो गया है, कि रेवेन्यू के जो भी प्रकरण रजिस्टर्ड होते हैं, चाहे नामांतरण का, सीमांकन का, बंटवारे का या अन्य कोई प्रकार के, उनको 100% हम कंप्यूटराइज और ऑनलाइन कर रहे हैं, ताकि उसका स्टेटस भी देखने को मिलेगा। कई बार होता ये था कि अभी तक अनुभव आया कि लोगों के केस रजिस्टर्ड ही नहीं होते थे, और हमारे अधिकारी 100% परफॉर्मेंस दिखाते थे, लेकिन जब मेरे पास शिकायतें आई और हम तह में गए तो पता चला कि उन्हीं केसों को लिखा रजिस्टर्ड किया जाता था जिनका निराकरण हो गया होता था। अब हमने व्यवस्था कर दी कि कोई भी अगर सीमांकन कराना है, नामांतरण कराना है, बंटवारा कराना है, तो किसी भी ऑनलाइन कहीं से भी वो आवेदन दे सकता है, ताकि वो रिकॉर्ड में आ जाएगा, रजिस्टर्ड हो जाएगा, और पेंडिंग अगर है तो हमें पता चलता रहेगा, और अपने केस की स्थिति कोई भी घर बैठे देख सकता है। ये लगभग पूरा हो चुका है, इसका सिस्टम को हमने लागू किया है। कहीं ना कहीं इस व्यवस्था से जनता को तो काफी फायदा होगा, लेकिन पटवारियों का एक बहुत बड़ा जो तबका है वो आपसे खफा हो सकता है, क्या इस जोखिम को मोल लेने के तैयार है? देखिए, मेरा स्वभाव जो जानते हैं, मैं जनहित में कोई भी जोखिम मोल लेने को तैयार रहता हूँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पटवारियों में भी अधिकांश पटवारी काम करने वाले और अच्छे हैं,
तकलीफ उन्हीं को होगी जो काम जो यानी जो काम नहीं करना चाहते हैं या गड़बड़ी करना चाहते हैं, लेकिन अधिकांश लोग अच्छे हैं ऐसा मेरा अनुभव है और इसलिए कहीं कोई तकलीफ नहीं। सर आईटी डिपार्टमेंट भी आपके पास है, मध्य प्रदेश में कब आईटी की हम जो पॉलिसी को पूरी तरह से क्रियान्वित होते हुए देख पाएंगे और एक हाईटेक जो एक मंजर जो देखना चाहिए वो कब तक दिखेगा? मुझे लगता है लगातार कोशिश हो रही है और परिणाम भी मिल रहे हैं। इंदौर, भोपाल, जबलपुर में हमने आईटी पार्क डेवलप किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आए, इसलिए लगातार प्रयत्नशील हैं और लोगों ने आना शुरू भी किया है। लोगों को कैसे हम सुविधाएं पहुंचा सकते हैं, इस ओर प्रेरित कर सकते हैं, इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। कैशलेस ट्रांजेक्शन एक बहुत ही बड़ी मुहिम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और एक बड़ी जिम्मेदारी आपके विभाग की भी है, किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? लगातार पब्लिक को अवेयर करने के लिए कोशिश, अभी धनजन डीजी मेले जो केंद्र सरकार के हैं वो भोपाल में शुरू हुआ है, 5 जगह लग रहे हैं, हम भी अपने लेवल पर जगह जगह लगा रहे हैं और कैशलेस की तरफ बढ़ने के लिए लेस कैश की तरफ पहले प्रयास हम लगातार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जनता के मन में एक जो भय सा है उसको दूर करने की जरूरत है कि यह एक आसान तरीका है और अधिकांश लोग जो है मुझे लगता है कि इन तरीकों को अपना लेंगे, क्योंकि जिनके पास बड़ी ईमानदारी से छोटी मोटी कमाई होती है, अपना परिवार चलाते हैं, उनको अगर इस प्रकार की बातों में हमने शामिल कर लिया तो बहुत जल्दी हमें सफलता मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया उमाशंकर गुप्ता जी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सर्जरी यहाँ पर मंत्री करने जा रहे हैं और खासतौर पर रिवेन्यू डिपार्टमेंट में अब सरकार की जमीन हथियाना मुमकिन नहीं हो पाएगा, खासतौर पर अब आम जनता और खासतौर पर किसान के लिए एक नया ऐप भी यहाँ पर विकसित किया जा रहा है जिसके जरिए खसरा और खतौनी को लेकर किसानों को अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। कैमरामैन अभिनय के साथ आशुतोष गुप्ता, इंडिया फर्स्ट, भोपाल।